हेलो जैन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। एज यू नो दैट वी आर रीडिंग चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने बताया है, फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट थिंग देखते हैं, लेट्स ट्राई थ्री देखते हैं। उसके पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट एक्सप्रेस अ पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और अ सेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। फ्रैक्शन वन नंबर है जो बताता है हमें एक होल पार्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक होल पार्ट तो नंबर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ओके बेटा, तो चलिए देखते हैं, लेट्स ट्राई थ्री। हम क्वेश्चन दिया है, लेट्स ट्राई थ्री। ओके, कैन आई ड्रा The answer in the given box. Draw the answer in the given box. Draw the answer in the given box. Answer खुद बनाना है, हमें लिखना है, ठीक है बेटा। इसे वन पेज है। पहला क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन वन है, ये वन रुपीज का क्वाइन है। किसका? वन रुपीज का क्वाइन है। अब ये क्या हुआ? ये पहले होल पार्ट होगा, ये होल पार्ट है। क्या है? होल है, होल पार्ट है। अब इसका क्या करना होगा? हमें हाफ करेंगे, वन फोर्थ करेंगे। पहले होल करेंगे, उसके बाद हाफ करेंगे, हाफ पार्ट लेंगे, उसके बाद वन फोर्थ लेंगे, वन फोर्थ, ठीक है बेटा। हमको तीन पार्ट में करना है, ठीक है। चलिए, ये होल है, ये होल पार्ट है, ये हाफ है, ये वन फोर्थ है। तो होल पार्ट में क्वाइन है, वन रुपीज का क्वाइन है, वन रुपीज है। तो इसका हाफ कितना होगा? वन रुपीज अगर है तो इसका हाफ कितना होगा? हाफ कितना होगा बेटा? 50 पैसे। हाफ कितना होगा? 50 पैसे। 50 पैसे का क्वाइन इसका हाफ होगा। वन फोर्थ कितना होगा? अगर वन फोर्थ किया जाए इसका, वन फोर्थ, ये हाफ का मतलब आधा, वन फोर्थ का मतलब जैसे एक भाग, जैसे ये वन फोर्थ पर समझिए, वन फोर्थ का होगा, ये एक पार्ट है, ये चौथा हिस्सा, ये जो एक हिस्सा बनता है, एक फोर्थ, चार, एक में चार हिस्सा, ठीक है। एक रोटी है उसमें चार भाग कर दें बराबर बराबर, तो एक भाग को वन फोर्थ कहेंगे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये रोटी है, इसमें चार भाग बराबर बराबर कर दिए, एक भाग को वन फोर्थ कहेंगे। तो वन फोर्थ, एक रुपए में वन फोर्थ कितना होगा? 25 पैसे। कितना होगा? 25 पैसे। ये 25 पैसे होगा। ओके बेटा, समझ में आ गया। अब चलिए, दिया होल फ्रैक्शन बार, एक बार दिया है, ये 4 है। कितना है? 4 है। और इसे हाफ क्या होगा? 2 बार। वन फोर्थ कितना होगा? 1 बार। हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, टॉपी दिया है, फोर टॉपी दिया है, ये टॉपी है, फोर टॉपी है। ओके बेटा, इसका हाफ कितना होगा? 2 टॉपी। इसका आधा जब करेंगे, 4 का आधा करेंगे तो 2 ही तो होगा। वन फोर्थ का मतलब कि 1/4, 1/4, 1/4,
ये वन फोर्थ होगा, ठीक है बेटा। तो वन फोर्थ करेंगे तो ये वन हो जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा, होगा होल सर्कल, एक सर्कल बना है। नेक्स्ट नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है, ये होल पार्ट है, ठीक है। अब इसका हाफ कितना होगा, इस सर्कल का केवल हाफ बनाना है तो ये हाफ होगा, ठीक है। तो हाफ इस तरह से नहीं होगा, अगर हाफ हमें केवल हाफ को इंडिकेट करना है तो इसका हाफ कितना होगा, इतना होगा या ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा ना, क्योंकि तो सर्कल से जब बीच से आधा करेंगे तो ऐसे होगा। अब हमें वन फोर्थ निकालना है तो कैसे होगा, कितना होगा, एक भी बनाइए ऐसे और ऐसे बना दीजिए, ये ऐसे होगा बेटा, ठीक है, इसको ऐसे, ठीक है, ये वन फोर्थ होगा एक सर्कल का, समझ में आया। राइटिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राइटिंग फ्रैक्शन। ओके बेटा, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हाउ टू राइट फ्रैक्शन या राइटिंग फ्रैक्शन। ओके, राइटिंग फ्रैक्शन, राइटिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने बताया है, पहले ही बताया है कि इसको मान लीजिए ये है, इसको क्या लिखेंगे, होल लिखेंगे, तो वन है ये, वन है, वन होल है, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो वन अपन टू लिखेंगे, वन अपन टू ऑफ ए होल, वन अपन टू ऑफ ए होल, संपूर्ण का आधा, ठीक है। फोर्थ लिखना है, फोर इक्वल पार्ट, फोर्थ कितना होगा, फोर इक्वल पार्ट, फोर्थ तो ये इक्वल पार्ट हो गया, तो वन अपन फोर्थ हो गया, वन अपन फोर हाफ ए होल, मतलब वन अपन फोर हाफ ए होल का मतलब होगा एक का चौथा हिस्सा, ठीक है। तो ये होगा वन, इसको क्वार्टर, इसको क्वार्टर भी बोलते हैं, क्वार्टर क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर बोलते हैं, क्यू यू ए आर टी ई आर, क्यू यू ए आर टी ई आर, क्वार्टर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको वन फोर्थ को क्वार्टर बोलते हैं, इसको हाफ तो जानते ही हैं। चलिए अच्छा देखिए, एक फिगर बनाया है उसको देख सकते हैं समझने के लिए। मान लीजिए ये फोर है, ठीक है, अगर वन कवर कर दें, हम वन कलर कर दिए, वन कलर कर दिए, इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपन फोर, वन अपन फोर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, वन फोर्थ लिख सकते हैं, वन फोर्थ, वन फोर्थ लिख सकते हैं, हाँ, वन क्वार्टर कर सकते हैं इसको, इक्वल टू वन क्वार्टर, ठीक है बेटा।
अब देखिए एसी बॉक्स को हम 1 2 3 ये कर दिए, दो ब्लैक कर दिए, दो कलर कर दिए, तो ये 2/4 हो गया। अब देखिए किस तरह से 2/4 को अगर हम डिवाइड कर दें, 2/4 भी लिख सकते हैं, 2/4 दो कलर कर दिए चार में, तो दो चार तो नीचे वाला है, 4 नीचे वाला है, दो कलर कर दिए, तो इसको हम काट दें तो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा ना, 2 से काट दें तो बात वही हुई, आधा आधा हो गया, 2/4 भी आधा है और 1/2 आधा, हाफ को 2/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2/4 को अगर कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ना, आएगा बिल्कुल आ जाएगा। देखिए इसको 2/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, समझने के लिए हाफ है, हाफ को 2/4, तो इसको फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, 2/4 कहेंगे, 2/4 कहेंगे, 2/4, ओके, 2/4 या 2/4, ओके बेटा, 3/4 देखिए, अब 3/4 इस फिगर में हम 3/4 करेंगे, तीन हिस्सा क्या है, कलर किया जाएगा, 4 है तो तीन हिस्सा कलर करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 कलर हो गया, तो ऊपर 3/4 हो गया, इसको क्या कर सकते हैं, 3/4, ओके, 3/4 3/4 ओके बेटा, तो ये हुआ आपका राइटिंग फ्रैक्शन, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, आगे मिलते हैं।